आ जाओगे वीडियो में? अरे चलेगा, महल ही देखना है। हाँ। एंट्री में देखा एंट्री में ड्रामा लगा था। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है फिर से न्यू ब्लॉग वीडियो में। मेरा नाम मोहम्मद अबरार सिद्दीकी और आज जो है ना गाइस, मैं फिर से आ गया हूँ मालचा महल। ठीक है दोस्तों, आप ये देख सकते हो, अभी जो है ना दोस्तों मैं इस जंगल में हूँ। ये चारों तरफ आप देख रहे होंगे ये कितना बड़ा जंगल है और ये बहुत ही ख़तरनाक जंगल है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर कभी भी अगर आप आओ तो अकेले तो कभी आना मत, अपने दोस्तों के साथ ही जो है ना यहाँ पर विज़िट करना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना दोस्तों ख़तरा है जानवरों का, इंसानों का ख़तरा नहीं है, यहाँ पर जानवर का है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जानवर भी दिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना कुछ दोस्त कुछ फ्रेंड मिले हैं, ठीक है, तो उन लोगों से जो है ना मैं मिलवाता हूँ और पूछता हूँ कि क्या ये वाकई में यहाँ पर जो है महल को देख लिया आप लोगों ने? नहीं अभी अभी देखने जा रहा है, अभी अंदर एंटर हुए, अभी जाएंगे, अभी एंटर ही हुए, अभी महल फोटो शूट कर रहे थे जरा। अच्छा, तो कहाँ से आए हो आप लोग? दिल्ली। अच्छा, तो इस जगह के बारे में किसने बताया आप लोगों? ये हमारा फ्रेंड है, यूट्यूब से देखा था। अच्छा, यूट्यूब से देखा था। तो यूट्यूब में यूट्यूब पे जो है बताते कि बहुत ज्यादा हॉन्टेड है, देखा होगा हॉन्टेड। हॉन्टेड में तो मजा आता है देखने में, बाकी तो इंडिया गेट वगैरह तो घूम के आ चुके हैं, है ना, 10 बार होके आ गए। यहाँ पर जो आप आए हो तो अब तक आपको क्या फील कर रहे हो? आपकी क्या ये वाकई में अभी थोड़ी देर जो एंट्री में देखा एंट्री में डरावना लगा। इससे 8 महीना पहले जो है ना गाइज मैं यहाँ पर आया था, तो 8 महीना पहले भी जो है ना मैंने वीडियो डाल रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना। जब मैं आया था तो उस समय में वाकई में लगता था कि हॉन्टेड है, एक भी बंदा, सिर्फ मैं था और मेरे फ्रेंड थे, बाकी इस पूरे जंगल में क्या इस महल में सिर्फ गार्ड था, अंदर कोई भी एक भी बंदा नहीं। अभी तो दिख भी रहा है, जैसे हम लोग एंटर किए तो बहुत सारे लोग हैं। गर्मी का टाइम है, चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ, ठीक है? वैसे आगे की लोकेशन कैसी है, डरावनी कैसी? देखो आगे का लोकेशन जो है ना डरावनी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ना देखने लायक भी है, यानी फिरोज शाह तुगलक के टाइम का बना हुआ है, तो अभी जो है फ्री है, लेकिन आने वाले समय के अंदर जो है ना वो फिर पैसा लगना शुरू हो जाएगा। तो फाइनली जो है ना हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं और आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरीके से जो है ना मैंने टोपा वगैरह डाल रखा है, क्योंकि यार दिल्ली का सर्दी जो है ना वो बहुत ख़तरनाक है, और अभी जो है हम लोग बाइक से आए हैं तो और भी ज़्यादा जो है ना हमें ठंड लग रही है दोस्तों। और आप ये देख रहे हो कि कितना बड़ा जंगल है, यहाँ पर लिखा हुआ है मालचा महल, और यहीं पास में देखोगे तो बोर्ड भी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आइए, 2:00 PM और इस समय भी अभी धूप नहीं निकला है, अभी जो है ना आप देख रहे होंगे उधर सूरज जो है अब निकलने वाला है दोस्तों, तो ठंड जो है यहाँ बहुत ज़्यादा है, और दिल्ली का ठंड और गर्मी जो है ना वो वाकई जो है बहुत फेमस है। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है मालचा महल, ठीक है, और अब जो है दोस्तों ये रास्ता का कंडीशन जो आप लोग देख रहे हो तो ये तो दोस्तों अब जो है ना बढ़िया कर दिया है, साफ सुथरा, ये देख सकते हो आप। जब मैं आया था तो उस समय में जो है, पहले की वीडियो आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या चैनल पर विजिट करके देख लेना। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है मेरे सामने में जो है ये मालचा महल है, आप ये देख सकते हो दोस्तों, और यहाँ पर का जो है ना व्यू भी आप देख लो कि दिल्ली सरकार जो है किस तरीके से जो है ना इसकी साफ सफाई करवा रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो है ना इसको टूरिस्ट पॉइंट जो है वो बनाया जाए। जब आप मेरे पिछले वाली वीडियो में देखोगे गाइज, तो यहाँ पर जो है चारों तरफ जो है वो जंगली जंगल था, और उस समय में जो है ना वाकई में बहुत ज़्यादा जो है वो डर भी लगता था दोस्तों, ठीक है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, और भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस तरफ का, ये देखो आप पूरा जंगल जो है वो साफ सफाई कर दिया गया है, ठीक है, और इधर से भी व्यू दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो आप, ये जो पूरा जो है ना दोस्तों वो पहाड़ी पत्थर है, और फिरोज शाह तुगलक ने जो है ना इसको शिकार गाह के रूप में जो है ना इसको बनाया था। जब फिरोज शाह तुगलक जब आते थे तो यहाँ पर है ना आराम करने के लिए कोई स्थान चाहिए होता था, तो इसीलिए जो है इसको शिकार गाह के रूप में इसको फिरोज शाह तुगलक ने जो है बनाया था। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं महल के अंदर ही खड़े होकर के जो है ना इस जंगल का जो है मैंने आप लोगों को व्यू दिखाया था, और अभी जो है इतना बदल गया है और इतना साफ सफाई कर दिया गया है कि मैं अभी जो है इस महल के पीछे वाले हिस्से में खड़े होकर के मैं आप लोगों से जो है ना बातें कर रहा हूँ, ये देख सकते हो आप। तो कहाँ से आए हो आप? मैं नागलोई। नागलोई से?
ये सिर्फ महल ही देखना है? यानी हॉन्टेड जगह पसंद है? हाँ जी। चलो तो कैसा फील कर रही है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, इंजॉय करो। तरफ भी देख लो आप। मेरे पहले वाले वीडियो को जरूर देखना गाइस, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि उस टाइम पे जो है ना कितना जो है ये खतरनाक था दोस्तों। ठीक है तो चलते हैं दोस्तों अंदर की तरफ। तो दोस्तों हम जो है ना ऊपर की तरफ चल रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों तो ये जो है जैसे आप अंदर की तरफ आओगे तो ऐसा ही जो है दरवाज़ा जो है उस तरफ भी है। आप ये देख सकते हो कि इसके जो है ना चारों तरफ से जो दरवाज़ा है वो सेम टू सेम है। अभी जो है मैं उस तरफ के दरवाजे से एंट्री किया है मैंने। ठीक है और यहाँ पर जो है ना दोस्तों आप ये देख रहे होंगे कि ये कमरा टाइप में बना हुआ है, ये देख सकते हो आप। ये पूरा जो है दोस्तों वो पहाड़ी पत्थर से बनाया गया है इसको। ठीक है और भी जो है मैं आप लोगों को दिखा दूँ। रावत की जो रानी थी वो यहाँ पे रहा करती थी और उससे पहले जो फिरोज शाह तुगलक जो थे जब शिकार के लिए जब आया करते थे तो वो यहाँ पर जो है वो आराम किया करते थे। चारों तरफ से जो है वो एक जैसा ही है गाइस, इस महल को देख सकते हो आप। पहाड़ी पत्थर है गाइस, इतना आलिशान पत्थर है, एक जैसा ही। ऐसा ही पत्थर से जो है ना दोस्तों ये पूरा महल जो है वो बना हुआ है। ये भी देख सकते हो दोस्तों पूरा पहाड़ी पत्थर का डिज़ाइन किस तरीके से जो है ना इसकी कटिंग की गई है। ठीक है तो पहले से जो है ना दोस्तों वो काफ़ी साफ़ सफाई है। जब अवध की रानी जब यहाँ पर रहा करती थी ठीक है तो यहाँ पर जो है बहुत सारे चीज़ थे, आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा कि उनके ज़रूरियात की चीज़ें जो है वो यहाँ पर बहुत सारी थी। ये भी ऊपर का भी पोर्शन आप देख सकते हो, पूरा जो है गाइस ये पूरा पहाड़ी पत्थर है। ठीक है तो दोस्तों हम जो है ना चलते हैं ऊपर और ऊपर से जो है ना मैं आप लोगों को इसका व्यू दिखाता हूँ क्योंकि ऊपर से जो है ना वो पूरा दिल्ली का नज़ारा दिखता है। ठीक है एक रास्ता जो है गाइस इधर से है, ठीक है और एक रास्ता जो है गाइस इधर से है, तो हम इधर चलते हैं। आइए यहाँ से देख सकते हो गाइस व्यू, चारों तरफ जो है वो जंगल ही जंगल है। तो दोस्तों मैंने जो है ना आप लोगों को इसका टूर जो है वो मैंने करा दिया है और मैंने जो है ना इस वीडियो में जो है इसके इतिहास के बारे में कुछ भी मैंने नहीं बताया है क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में जो है ना मैंने इसका पूरा फुल डिटेल जो है वो मैंने बताया है। और अब जो है दोस्तों वो तो हॉन्टेड दिखता भी नहीं है, लेकिन अगर आप मेरा पहले वाला वीडियो देखोगे गाइस तो वाकई में जो है ना वो हॉन्टेड ही है क्योंकि उस समय में हम सिर्फ दो बंदे थे इस महल में, क्या इस पूरे जंगल में जो है सिर्फ हम दो लोग आए थे। ठीक है दोस्तों तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लेना क्योंकि इस समय मैं जहाँ पर खड़ा हूँ उस वाले वीडियो में मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि अब जो है दोस्तों पहले से जो है वो वाकई में बहुत कुछ जो है ना वो बदल गया है, पूरा साफ़ सफाई जो है वो हो गया है दोस्तों। तो अब जो है पहले से भी ज़्यादा जो है दोस्तों यहाँ पर जो है ना लोग आ रहे हैं इस महल को देखने के लिए। अगर इसका इतिहास जानना है ठीक है कि ये हॉन्टेड जो है वो क्यों बना है वो मैं इतना बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अवध की जो रानी थी वो महामारी से जो है ना परेशान होकर के इसी महल में जो है दोस्तों उसने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है दोस्तों तो बताते हैं कि उसका आत्मा वगैरह जो है वो भटकता है यहाँ। ठीक है तो क्या ये ऐसा सच होता है? अगर होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं अपने ब्लॉग को जो है गाइज यहीं एंड करता हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। फेसबुक इंस्टाग्राम न्यू अबरार सिद्दीकी ब्लॉग के नाम से ही है और एक्सप्लोजर पर भी इसी नाम से है, तो आप चाहो तो गाइज वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।